नमस्कार दोस्तों, सीएसई से जुड़े और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप सीएसई की वेबसाइट पर अपना पुलिस वेरिफिकेशन कैसे अपलोड करें। तो दोस्तों, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और उसमें सर्च कर लेना है सीएससी रजिस्ट्रेशन। इतना सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट देखने को मिलेगी। register.csc.gov.in इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप सीएससी की रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको होम, अप्लाई, माय अकाउंट, टूल्स एंड मिसिंग डेटा का ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको माय अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। माय अकाउंट पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन टू योर अकाउंट में आपका सीएससी आईडी डालना है। उसके बाद मॉडलिटी में आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है या एस डिवाइस आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो रहे कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सीएससी आईडी डाल दिया है। उसके बाद हमारे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो हम फिंगरप्रिंट डिवाइस सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भी डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आई हैव स्टोर डेट पे आपको क्लिक कर लेना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका जो डिवाइस है फिंगरप्रिंट डिवाइस वो आपकी साइट से कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपका डिवाइस जो है वो स्कैन हो रहा है, आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको आई हैव एग्री के ऑप्शन पर आपको सबसे पहले टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करके आपको अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेना है। फिंगर स्कैन करने के बाद आप सीएससी रजिस्ट्रेशन की साइट पर लॉगिन हो जाओगे। आप देख सकते हो कि हम सीएससी जो साइट है उसमें लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल, केवाईसी अपडेट, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन, आईडी कार्ड का ऑप्शन और उस पर यहाँ पे डैशबोर्ड, प्रोफाइल, केवाईसी अपडेट, अकाउंट सेटिंग और लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आगे एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है कि यहाँ पे आपको प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, आपको सीएससी जो सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड करना है और सीएससी का आईडी कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करना है। पूरा प्रोसेस वीडियो मैंने आगे एक बताया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन कैसे अपलोड करें। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको केवाईसी अपडेट का जो भी ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। केवाईसी अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, कम्युनिकेशन डिटेल, केवाईसी डॉक्यूमेंट, पर्सनल डिटेल, बैंकिंग डिटेल और उसके लास्ट में पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। लेकिन उसके लिए आपको 10 KB और 200 KB के बीच में आपका JPG, PNG वो फॉर्मेट में आपको फोटो होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे 96 KB का जो फ़ोटो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है सर्टिफिकेट का। और यहाँ पे आपको अपडेट के बटन पर क्लिक कर लेना है।
अपडेट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन CSC रजिस्ट्रेशन साइट पर अपलोड हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से CSC से जुड़े और भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप एक CSC भी लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आपको हर रोज देखने को मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।